हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कहा जाता है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू माइनस 1 है, बी की वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और सी की वैल्यू है माइनस 2, राइट। तो यहाँ पे सीधा मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। तो b की वैल्यू है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 2 बाई 2 इंटू a की वैल्यू है माइनस 1, राइट। तो इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 बाई 2 अंजा माइनस 2, राइट। इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना होगा माइनस 7 बाई माइनस 2, राइट। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 प्लस माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 इंटू माइनस 1, राइट, बाय माइनस 2। तो इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस ये रूट 7, और ये कितना हो गया आयोटा, रूट 7 आयोटा बाय माइनस 2। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें ये कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1, माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 फोर जा 20 बाई 2, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 11 बाई 2। एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस बाहर निकल के आयोटा हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 2 इंटू 1, राइट। तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 टू जा 8 माइनस 8 बाई 2। तो 1 प्लस माइनस माइनस 7 बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है रूट टू, बी की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू रूट टू। तो जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया उसी तरह करना है हमें। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी की वैल्यू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मीन्स रूट 2, सी मीन्स रूट 2, 2a मीन्स रूट 2, राइट। माइनस 1 प्लस माइनस 1 रूट 2 रूट 2, 2 2 4 जा 8 माइनस 8 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 7 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1
माइनस वन प्लस माइनस और माइनस रूट सेवन मीन्स सेवन और आयोटा हो गया ये और डिवाइड बाई टू रूट टू, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है रूट थ्री, बी की वैल्यू है माइनस रूट टू और सी की वैल्यू है थ्री रूट थ्री। तो एक्स इक्व टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। बी मीन्स माइनस 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 प्लस रूट टू प्लस माइनस, बी स्क्वायर मीन्स माइनस रूट टू का स्क्वायर, फोर ए मीन्स रूट थ्री इंटू सी मीन्स थ्री रूट थ्री, टू इंटू रूट थ्री रूट टू प्लस माइनस रूट टू का स्क्वायर टू माइनस रूट थ्री रूट थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स बाई टू रूट थ्री। ठीक है, रूट टू प्लस माइनस माइनस थर्टी फोर। एक्स इक्व टू रूट टू प्लस माइनस थर्टी फोर अंदर रह गया, आयोटा हमने बाहर निकाल लिया बाई टू रूट टू, हमारा आंसर हो गया। इसको हम दो पार्ट में भी दोस्तों कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं कि रूट टू प्लस थर्टी फोर रूट थर्टी फोर आयोटा बाई टू रूट टू, एंड दूसरा आंसर हो गया रूट टू माइनस, एक बार प्लस यूज कर लेंगे एक बार माइनस यूज कर लेंगे, हम कंबाइन लिखते हैं। ठीक है, टेंथ में भी आप लोगों ने ऐसे ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, इसमें ये कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई रूट टू इक्वल टू जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, एलसीएम ले लेंगे नीचे वन वन, तो क्या हो जाएगा रूट टू, पहले देखिए एलसीएम क्या आएगा रूट टू, तो क्या होगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो हो गया, तो हमारे पास आ गया रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ए की वैल्यू है रूट टू, बी की वैल्यू है रूट टू और सी की वैल्यू है वन, राइट। तो एक्स इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है रूट टू, तो माइनस रूट टू प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मीन्स रूट टू इंटू सी मीन्स वन बाई टू इंटू रूट टू। एक्स की वैल्यू है एक्स इक्व टू माइनस रूट टू प्लस माइनस रूट टू का स्क्वायर टू माइनस फोर इंटू रूट टू फोर रूट टू, फोर रूट टू बाई ट्वाइस ऑफ रूट टू इक्व टू माइनस रूट टू प्लस माइनस। अब देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है ना, तो माइनस टू दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू को पहले रखने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें से टू कॉमन लिया तो क्या बचा टू रूट टू, और इसमें से कॉमन लिया तो जब कभी हम माइनस साइन लेते हैं दोस्तों तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में, और टू कॉमन ले लिया तो ये वन हो गया, राइट बाय ट्वाइस ऑफ रूट टू इक्वल्स टू माइनस रूट टू प्लस माइनस। अब क्या हो गया ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्वाइस इंटू ट्वाइस रूट टू माइनस वन, तो ये एक साथ है और ये माइनस का मतलब है ये माइनस वन, राइट बाय ट्वाइस ऑफ रूट टू इक्वल्स टू माइनस रूट टू प्लस माइनस, ये टू बाहर निकल के इसको रूट टू हम बाहर लिख सकते हैं, और इंटू ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस वन, और ये माइनस रूट के अंदर है तो इसको हम जानते हैं कि हम आयोटा लिख लेते हैं, ये टू रूट टू हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी रूट टू है, यहाँ भी रूट टू है, कॉमन ले सकते हैं तो रूट टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा वन प्लस माइनस, ये कॉमन आ गया तो
ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस वन आयोटा बाय ट्वाइस ऑफ रूट टू, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या होता है वन प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ रूट टू माइनस वन आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो नीचे वन डाल देते हैं, तो एलसीएम लेते हैं पहले, ये रूट हो गया रूट टू, तो ये रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई रूट टू, बी की वैल्यू आ गई वन और सी की वैल्यू आ गई रूट टू। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ट्वाइस ऑफ ए, राइट। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन प्लस माइनस बी की वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है रूट टू और सी की वैल्यू है रूट टू बाय टू, ए की वैल्यू कितनी है रूट टू, माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू रूट टू, रूट टू टू, टू फोर जा एट बाय ट्वाइस ऑफ रूट टू, माइनस वन प्लस माइनस माइनस सेवन बाय टू रूट टू। तो माइनस वन प्लस माइनस माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेवन, और ये आयोटा बाय टू रूट टू, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।